नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 8 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोविड-19 के मिले 700 से ज्यादा मामले। स्वाद में बिक्री चोरी रोकने के लिए बनाई जाएगी विशेष कैडर। बाढ़ की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने की तीसरी समीक्षा बैठक। शिक्षा विभाग में स्थानांतरण को लेकर जारी की गई अधिसूचना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन देश का किया संबोधन। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में कोविड-19 के मिले 700 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 762 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 8,230 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 38, अरवल में 1, औरंगाबाद में 3, बांका में 2, बेगूसराय में 39, भागलपुर में 24, भोजपुर में 6, बक्सर में 4, दरभंगा में 19, ईस्ट चंपारण में 21, गया में 15, गोपालगंज में 69, जमुई में 3, कैमूर में 8, कटिहार में 15, खगड़िया में 14, किशनगंज में 13, लखीसराय में 18, मधेपुरा में 18, मधुबनी में 22, मुंगेर में 28, मुजफ्फरपुर में 22, नवादा में 4, नालंदा में 12, पटना में 66, पूर्णिया में 55, रोहतास में 2, सहरसा में 26, समस्तीपुर में 48, सारण में 18, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 14, सिवान में 23, सुपौल में 49, वैशाली में 14, वेस्ट चंपारण में 17 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 8 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,196 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1,113 सैंपल की जांच की गई है। रैयतों की जमीन से जुड़े दस्तावेज की डिटेल कॉपी मामूली फीस से मिलने वाली है। इसको लेकर आधुनिक अभिलेखागार सह डेटा सेंटर के संचालक को लेकर नियमावली लगभग तैयार हो गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जून जुलाई में सभी अंचलों को उपलब्ध कराने की तैयारी कर चुका है। इसके साथ ही अभिलेखों की प्रतिलिपि प्राप्त करने की मानक संचालन प्रक्रिया भी तैयार कर ली गई है। रिकॉर्ड रूम में खतियान नक्शा रजिस्टर 2 सहित राजस्व एवं जमीन संबंधी 26 प्रकार के दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में रहेंगे। लोगों को राजस्व कर्मी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की इस ई धरती योजना के तहत राज्य के सभी 534 अंचलों में आधुनिक अभिलेखागार भवन तैयार करा रहा है। 21 जून से 18 साल से ऊपर वालों को मिलेगी मुफ्त वैक्सीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन देश का संबोधन किया, जिसके तहत उन्होंने अपने संबोधन में 21 जून से 18 साल से ऊपर वालों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया करवाने का ऐलान कर दिया है। ता ही नहीं, उन्होंने पूरे देश में कोविड-19 वैक्सीन को फ्री कर दिया है। इसके तहत देश के किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर अब कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अब तक देश के करोड़ों लोगों को वैक्सीन मिली है, अब 18 साल से आयु के लोगों को भी इसमें जोड़ लिया गया है। सभी देशवासी के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। इसके साथ ही प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन के निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए सर्विस चार्ज ही ले सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने गरीब परिवारों को दिवाली तक मुफ्त अनाज देने की बात कही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार किसी भी परिवार को भूखा सोने नहीं देगी। बिहार में बिजली चोरी रोकने के लिए बनाई जाएगी विशेष कैडर। बिजली चोरी को रोकने के लिए नीतीश सरकार की पहल के बाद बिहार में विशेष कैडर बनाने की तैयारी हो रही है, जो कि विद्युत निरीक्षण वाले के तहत काम करेगा। इस कैडर के कर्मी बिजली कंपनी के बदले ऊर्जा विभाग के अधीन काम करेंगे। इसके बन जाने की तैयारी विभागीय स्तर पर की जा चुकी है। जल्द ही कैबिनेट के समक्ष का इसका प्रस्ताव ले जाया जाएगा। जानकारों की माने तो कैडर में हर जिले में एक विशेष इकाई काम करेगी। इस विशेष इकाई के मुख्य अधिकारी अधीक्षण अभियंता होंगे, उनके अधीन कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता होंगे। इतना ही नहीं, इंजीनियरों के अलावा चतुर्थ वर्गीय कर्मी और डेटा एंट्री ऑपरेटर भी होंगे। सभी पदों को मिला दे तो लगभग 300 से अधिक लोगों की बहाली की जा सकती है। कोल इंडिया में सिक्योरिटी गार्ड के लिए निकाली गई भर्तियां। कोल इंडिया में बीते दिन 1,086 सिक्योरिटी गार्ड के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। भारत सरकार की महारत्न कंपनियों में से एक कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सिक्योरिटी गार्ड मेल के पदों पर भर्ती के लिए इंटरनल नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार अनारक्षित कैटेगरी के 882 पद समेत कुल मिलाकर 1,086 सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती के लिए वर्तमान कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार easternkol.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे, आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 जून 2021 है। बिहार में सभी बालिका गृह को किया जाएगा बंद। बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड सभी को याद होगा। इस कांड के बाद ही 11 बालिका गृह की सुरक्षा काफी ज्यादा सख्त कर दी गई है। हर बालिका गृह में 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। हालांकि इन सब के बीच सभी बालिका गृह को बंद करने का फैसला जारी किया गया है, जिसके बाद अब बिहार सरकार ने लड़कियों की सुरक्षा के लिए 2022 तक जिलों में वृहद आश्रय गृह शुरू
करने का फैसला सुनाया है, जिसका संचालन सरकार खुद करेगी और इसके लिए कैबिनेट से 500 करोड़ स्वीकृति मिली है। पहले चरण में 12 जिलों में वृहद आश्रय गृह की शुरुआत होगी, जिसके तहत पटना, सिवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, बक्सर, गया, भागलपुर, पूर्णिया, भोजपुर से पश्चिम चंपारण में भी आश्रय गृह खोला जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने अस्पतालों में वेंटिलेटर की स्थिति को लेकर मांगा जवाब। पटना हाईकोर्ट ने अस्पताल में वेंटिलेटर की स्थिति को लेकर बीते दिन सरकार से जवाब मांगा है, जिसके तहत बीते दिन कोविड 19 महामारी से संबंधित जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को यह बताने के लिए कहा है कि कितने आंकड़े से संबंधित पोर्टल पर काम कर रहे हैं। साथ ही यह भी बताने को कहा है कि इनमें से कितने पोर्टल कोविड 19 से संबंधित है। इसके साथ ही कोर्ट ने कोविड 19 के मरीज, कोविड 19 से जान गंवाने वाले मरीज और अन्य आंकड़ों को लेकर कितने पोर्टल काम कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी मांगी है, जिसके बाद अब अगली सुनवाई 11 जून को की जाएगी। बिहार सरकार जल्द बनाएगी टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने हाल ही में बिहार सरकार की तरफ से टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी बनाने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार में मेगा फूड पार्क के बाद 5 मिनी फूड पार्क को बनाया जाएगा और औद्योगिक विकास के लिए लगातार सरकार अपनी नीति में बदलाव कर रही है। यही कारण है कि एथेनॉल और ऑक्सीजन उत्पादन पॉलिसी के बाद अब बहुत जल्द टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी लाने की तैयारी की जा रही है। किशनगंज का पंजरीपारा चमड़ा उद्योग का गढ़ है, इसके साथ ही यहां से देश के साथ साथ विदेशों में भी चमड़ा भेजा जाता है। इसे लेदर प्रोसेसिंग यूनिट का हब बनाने की योजना तेजी से काम चल रहा है। शिक्षा विभाग में स्थानांतरण को लेकर जारी की अधिसूचना शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। बिहार के शिक्षकों के स्थानांतरण को देखते हुए विस्तृत गाइडलाइन शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसके तहत अधिसूचना भी जारी की गई है। अंतर जिला नियोजन इकाई स्थानांतरण जिला के अंदर शिक्षकों, पुस्तकालाध्यक्षों के स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग ने यह जानकारी साझा की है, जिसके तहत ये बताया गया है कि शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर विभाग एक पोर्टल तैयार करने वाला है। उस वेब पोर्टल से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जिलावार नियोजन इकाई, विषयवार, जिलावार रिक्त पदों की सूचना अपलोड किए जाएंगे, जिसके बाद वैसे शिक्षक जिनकी सेवा अवधि 3 साल या उससे अधिक होगी वही आवेदन दे सकेंगे। अनुशासनिक कार्रवाई अथवा निलंबित शिक्षक या पुस्तकालाध्यक्ष आवेदन देने के पात्र नहीं होंगे। बाढ़ की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने की तीसरी समीक्षा बैठक। बिहार में संभावित बाढ़ की समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पूरी सजगता के साथ काम कर रहे हैं। यही कारण है कि बीते 15 दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार बीते दिन तीसरी समीक्षा बैठक की है, जिसके तहत इस बैठक में मुख्यमंत्री पहले से दिए गए निर्देशों के बारे में जानकारी लेते देखे गए और बाढ़ निरोधक कार्य के बारे में भी उन्होंने रिपोर्ट ली। इसके साथ ही आपको बता दें कि आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री और मंत्री के साथ बाढ़ से प्रभावित होने वाले सभी जिलों के डीएम और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। ज्ञात हो मानसून मध्य बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर हिस्सों तक पहुंच चुका है। अगले 10 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून ओडिशा, झारखंड, बंगाल और बिहार तक पहुंच जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए सभी एहतियाती कदम उठा रहे हैं। बेटा एयरपोर्ट के निर्माण में एक गांव बना बाधा। बेटा हवाई अड्डा से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का सपना फिलहाल बीच मझधार में अटका हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार इंटरनेशनल उड़ानों के लिए रनवे की लंबाई लगभग 12,000 फीट होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल एयरपोर्ट पर 8,200 फीट रनवे ही प्रस्तावित है, जो कि घरेलू उड़ानों के लिए ही पर्याप्त है। इस बाबत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयरबस 120 और बोइंग 737 जैसे बड़े विमानों से विदेशी उड़ान के लिए राज्य सरकार से 191 एकड़ जमीन की मांग की है, लेकिन इसमें सरफुद्दीनपुर गांव बाधक बन रहा है। इस गांव में करीब 150 घर की आबादी है। गांव में मस्जिद और कब्रिस्तान भी है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे ऋचा सोनी की। ऋचा सोनी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। ऋचा सोनी एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं। उन्होंने शरत से डेब्यू किया था। वो कलर्स टीवी के डेली शो भाग्य विधाता में भी बिंदिया की भूमिका के लिए जानी जाती है। वो नचले विद सरोज खान, सीजन 2, बदलते रिश्तों की दास्तान, जाट की जुगनी और सिया के राम जैसे शो में भी नजर आ चुकी है। उन्होंने द साइलेंट स्टैचू, कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित जैसे लघु फिल्मों में भी काम किया है और उन्होंने दूसरे झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 में लघु फिल्म श्रेणी में श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। वेब श्रृंखला सीजेड विद लव का प्रीमियर हंगामा पर हुआ। नए कनेक्शन पर अब नहीं देना होगा सिक्योरिटी मनी। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जिसके तहत अब नए कनेक्शन पर सिक्योरिटी मनी नहीं देनी होगी। जिसके तहत नया कनेक्शन लेने पर फिलहाल पटना, बेतिया, अरवल, मोतिहारी, दलसिंहसराय, रोसरा, बेगूसराय और कांटे के निवासियों को यह लाभ मिलने वाला है। बिजली विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 20 किलोवाट लोड तक के उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल रहा है। घरेलू सिंगल फेज नया कनेक्शन लेने पर प्रति किलोवाट 800 रुपये की बचत हो रही है। 5 किलोवाट लोड का कनेक्शन लेने पर 4,000 रुपये तक तथा 10 किलोवाट लेने पर 8,000 रुपये सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करना पड़ता था। वहीं कमर्शियल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को प्रति किलोवाट 1,300 रुपए खर्च करने पड़ते थे। इस श्रेणी में 5 किलोवाट लोड का कनेक्शन लेने पर 6,500 की बचत होगी।
वैक्सीन की पहली डोज ले चुके 10,000 लोगों को खोजने में जुटी टास्क फोर्स। राजधानी पटना में 10,000 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने कोविड 19 से बचाव के लिए पहला टीका तो ले लिया, लेकिन दूसरा टीका लेने की बारी आई तो उनके द्वारा मोबाइल नंबर पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, कई लोगों के मोबाइल नंबर भी अंकित नहीं है। अब ऐसे लोगों को दूसरी डोज देने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से खोजबीन शुरू कर दी गई है। इस मामले की जानकारी तब मिली जब पटना जिले में लगभग 80,000 लोगों को दूसरी डोज का टीका देने के लिए अभियान शुरू किया गया। अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है उनमें अधिकांश लोगों का मोबाइल नंबर संपर्क करने पर गलत बता रहा है। अब ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए टास्क फोर्स से मदद ली जा रही है। बांद्रा टर्मिनस दानापुर सहित 10 जोड़ी ट्रेनों के बढ़ाए गए फेरे। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बांद्रा टर्मिनस से दानापुर, बरौनी, भागलपुर सहित अन्य जगहों के लिए चलने वाली ट्रेनों के परिचालन के फेरे बढ़ा दिए गए हैं, जिसके तहत गाड़ी संख्या 01981 बांद्रा टर्मिनस से 8 जून, गाड़ी संख्या 09182 दानापुर से 10 जून, गाड़ी संख्या 09453 6 जून, 09454 समस्तीपुर से 9 जून, 09501 ओखा से 11 जून, 09502 गुवाहाटी से 14 जून, 09521 राजकोट से 9 जून, 09722 समस्तीपुर से 12 जून, 09005 कोई 11 जून, 09006 बरौनी से 14 जून, 09011 उधना जंक्शन से 7 जून, 09012 दानापुर से 9 जून, 09117 मुंबई सेंट्रल से 11 जून, 09118 भागलपुर से 14 जून, 09175 मुंबई सेंट्रल से 6 जून, 09176 भागलपुर से 8 जून, 09177 मुंबई सेंट्रल से 9 जून और 09178 का भागलपुर से 12 जून को एक एक ट्रिप और गाड़ी संख्या 09049 मुंबई सेंट्रल से 8, 10 और 12 जून, गाड़ी संख्या 09050 समस्तीपुर से 10, 12 और 21 जून को तीन तीन ट्रिप चलेगी। बिहार में भूमि सर्वेक्षण की गति बढ़ाने की बनी रणनीति। भूमि सर्वेक्षण की गति को बढ़ाने के लिए रणनीति बिहार में बना ली गई है, जिसके तहत अब हर रोज काम का मूल्यांकन किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सोमवार से सर्वेक्षण कार्य तेज करने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि तैयारियों के लिए बुलाई गई समीक्षा बैठक में पाया गया कि अगर हवाई सर्वे एजेंसियों की रफ्तार यही रही तो सर्वेक्षण का हासिल नहीं किया जा सकता है, जिसके बाद यह तय हुआ है कि अब इन एजेंसियों के कामकाज का मूल्यांकन दैनिक आधार पर किया जाएगा। इसको लेकर तीन एजेंसियों से सरकार ने मदद देने का ऐलान किया है। पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी का ट्वीट फैंस को आ रहा है काफी पसंद। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 रिलीज हो चुकी है और दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। सोशल मीडिया पर यूजर इस शो की जमकर सराहना कर रहे हैं, जिसके बाद ही पंकज त्रिपाठी ने ट्विटर पर मनोज को बधाई दी है तो वहीं अभिनेता ने उन्हें भोजपुरी भाषा में और बिहारी अंदाज में रिप्लाई किया। वेब सीरीज को लेकर पंकज त्रिपाठी ने ट्वीट किया, वाह बधाई और शुभकामनाएं भैया, पूरी टीम की जय हो। इसके बाद मनोज बाजपेयी ने भी ट्वीट किया और लिखा कि धन्यवाद पाठी जी, समय मिलते ही सब परिवार देख ले, निक लगी तो फोन करी हा, अना लगी तो मछली खिया दी हा। मनोज बाजपेयी के इस ट्वीट को फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसके बाद पंकज त्रिपाठी ने भी ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, जी भैया पसंद आई, अब भोज भात भी होई। लंदन के मार्ट में धूम मचा रही है मुजफ्फरपुर की शाही लीची। मुजफ्फरपुर की शाही लीची लंदन के मार्ट में धूम मचा रही है। जानकारों की माने तो मुजफ्फरपुर के शाही लीची की सराहना लंदन के लोग काफी ज्यादा कर रहे हैं। लीची भेजने वाले किसानों को जिला कृषि पदाधिकारी ने अपने कार्यालय में बुलाकर शॉल उड़ाकर और कृषि मंत्री का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने उन किसानों से यह जानकारी ली कि यहां की लीची को लंदन तक पहुंचाने में कहां-कहां से स्तर पर परेशानी हुई और कृषि विभाग की तरफ से उन्हें किस किस तरह का सहयोग चाहिए। खबरों की माने तो इस बार 10 टन की यह खेप ट्रायल के रूप में भेजी गई है, अगली बार बड़े पैमाने पर लीची भेजी जाएगी। मंत्री नीरज कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को फिर से दोहराया। पूर्व मंत्री और विधान पार्षद नीरज ने हाल ही में नीति आयोग की तरफ से एसटीजी पर आधारित रिपोर्ट के आने के बाद विशेष राज्य के दर्जे की मांग को फिर दोहराया है, जिसके तहत ईटीवी बिहार से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह मांग पुरानी है लेकिन रिपोर्ट से जोड़कर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र में सरकार चाहे यूपीए की हो या फिर एनडीए की, यह मांग हमेशा रहेगी, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रिपोर्ट से जुड़कर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को देखना भ्रम फैलाने वाली बात है। सतत विकास को लेकर 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है।
लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मनाएगी पार्टी। 11 जून को लालू प्रसाद यादव अपना 74वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। वहीं इस दिन को पार्टी यादगार बनाने वाली है क्योंकि इस बार लालू प्रसाद यादव भी जेल से बाहर हैं। हालांकि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कोई खास प्रबंधन तो नहीं किया गया, लेकिन इस शुभ अवसर पर गरीबों को भोजन करवाने का काम किया जाएगा। इसकी जानकारी राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लालू प्रसाद यादव का जीवन हमेशा से ही गरीबों के लिए समर्पित रहा, इसलिए उनके जन्मदिन पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जिला, प्रखंड, पंचायत और गांव से लेकर व्यक्तिगत रूप से स्थानीय स्तर पर लालू रसोई के माध्यम से अधिक संख्या में समाज के गरीबों और लाचार लोगों को भोजन कराया जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। 1948 में भारत की पहली विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई सेवा शुरू की। 1658 में औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा किया और शाहजहां को कैद कर लिया। 2004 में भारत सहित दुनिया के कई देशों में 122 वर्ष के बाद शुक्र पारगमन का अद्भुत नजारा फिर देखा गया। 2009 में मशहूर पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता हबीब तनवीर का निधन हुआ। 1997 में पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में भारत के महेश भूपति ने मिश्रित युगल खिताब जीतकर इतिहास बनाया। भारत के श्रीलंका दौरे का शेड्यूल हुआ कंफर्म। श्रीलंका दौरे को लेकर भारत का शेड्यूल कंफर्म कर दिया गया है। इस दौरे पर भारत के कोच के रूप में राहुल द्रविड़ नजर आएंगे। आपको बता दें, भारतीय टीम श्रीलंका के इस दौरे पर 3 वनडे और 3 T20 मैच के सीरीज खेलने वाली है। हालांकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए इंग्लैंड दौरे पर गई टीम सीरीज का हिस्सा नहीं होगी। BCCI इस दौरे पर भारत की बी टीम को भेजेगा, जिसमें कई युवा खिलाड़ी को मौका मिल सकता है। ANI की खबर के मुताबिक भारत और श्रीलंका सीरीज के होस्ट ब्रॉडकास्टर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने सोमवार को ट्वीट करके इस दौरे के शेड्यूल की जानकारी दी है। इनकम टैक्स विभाग के नए पोर्टल से आपको मिलेगा यह फायदा। बीते दिन से इनकम टैक्स विभाग के नए पोर्टल को जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अगर आप आयकर दाता हैं तो इनकम टैक्स भरने के लिए दूसरे कई जरूरी काम विभाग के नए पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाकर भरना होगा। इसमें पोर्टल की खासियत की अगर बात करें तो यह पोर्टल अधिक यूजर फ्रेंडली है। इस नई ई फाइलिंग पोर्टल का उद्देश्य करदाताओं की सुविधा और उन्हें एक आधुनिक, तेज और बिना रुकावट का सेवा प्रदान करना है। इसके साथ ही नई कर भुगतान प्रणाली 18 जून से शुरू होने वाली है। पोर्टल के बाद मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया जाएगा ताकि करदाता उसकी सुविधा से परिचित हो सके। CBSE ने 28 जून तक प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट पूरा करने का जारी किया आदेश। CBSE ने जहां एक तरफ बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ 28 जून तक देश भर के सभी स्कूल से प्राप्त अंक और इंटरनल असेसमेंट को पूरा करने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने के बाद अपना रोड मैप लागू करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर 12 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। इस दौरान CBSE की तरफ से स्कूल को 12वीं क्लास के बचे हुए स्कूल बेस्ड असेसमेंट और अंक अपलोड करने के संबंधित में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 7 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,510 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,510 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 71,000 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 96.94 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.54 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गीता कुमारी, श्याम कुमार, हुसैन, असलम राज, योगेंद्र चौधरी, शंकर मुखिया, हर्ष राज, अमित पटेल, मिथुन कुमार, विक्रम कुमार, राकेश रोशन, सोनम सिंह, गोविंद कुमार, मिंटू सिंह, नीतीश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 21 जून से 18 साल से ज्यादा के युवाओं को मुफ्त में वैक्सीन मुहैया करवाने के फैसले पर आपकी क्या राय है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।